का रुख कर लेते हैं। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा यहाँ पर कल तक की क्या सूरत हाल रही और आज तीसरा रोज है? देखें, आज तीसरा रोज़ है। चूँकि सिंध में सूबाई सतह पे आज आम तातील है, इसलिए अभी तक रिटर्निंग अफसरान या जो कह स्क्रूटनी का अमल है वो शुरू नहीं हो सका। तवक्को है कि 11 बजे के बाद स्क्रूटनी का अमल स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर तिमारी में मौजूद हैं, जहाँ कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 5 हल्के हैं। अब तक कराची की 22 कौमी असम्बली की और 47 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर तकरीबन 300 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है। आज जिन अहम रहनुमाओं के कागजात की जांच पड़ताल होनी, उनमें मुस्तफा कमाल के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के 2 हलकों में उनके कागजात की जांच पड़ताल होनी है। एमकेएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के भी कागजात की जांच पड़ताल होनी। अब तक जिन अहम रहनुमाओं के कागजात की जांच पड़ताल हो चुकी है, उनमें एमकेएम के अमीन उल हक, जावेद हनीफ, शेख सलाहुद्दीन, शब्बीर कायम खानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मिर्जा इख्तियार बेग, सलीम मांडवी वाला, जमात इस्लामी के मोहम्मद यूसुफ अब्दुल रशीद, तहरीक इंसाफ खुर्रम शेरजमान, जबकि तहरीक इंसाफ के जो सूबाई सदर हैं हलीम आदिल शेख, उनके गुज़िश्ता रोज कागजात नामजदगी को मुसरद कर दिया गया था। उनके वकील बैरिस्टर अली ताहिर का कहना है कि वो इसके खिलाफ साथ ही मौजूद रहेगा।